इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम द्वारा अपना नामांकन वापस लेने के बाद अब इस पर राजनीति छिड़ गई है। कांग्रेस और भाजपा नेता एक दूसरे पर जमकर जुबानी हमला बोल रहे हैं। गुजरात की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को एक झटका लगा है। इंदौर लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, जिसके बाद जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने कहा कि ऐसी घटना अचानक नहीं होती, इसकी सूचना अचानक मिलती है। भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचती है, धन बल का प्रयोग करती है और शासन का सहयोग लेती है, तब जाकर ऐसी घटनाएं होती हैं। बीजेपी से हमारा संघर्ष है, अभी ऐसी और भी घटनाएं हमें देखनी है। घटनाएं अचानक नहीं होती है, इसकी सूचना अचानक लगती है। भारतीय जनता पार्टी महीनों पहले से षड्यंत्र की रूपरेखा बनाती है, तैयारी करती है, धन बल का उपयोग करती है, शासन का बल दिखाती है, तब जाके इन घटनाओं को ऐसे नाजुक क्षणों में अंजाम दिया जाता है जब इनको राजनीतिक फायदा हो। वही कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र को फिर से एक बार शर्मसार करने का काम किया है। भाजपा प्रत्याशी शंकर ललवानी बहुत ही कमजोर प्रत्याशी के रूप में उभर कर सामने आए हैं, जिससे घबरा कर भाजपा ने कांग्रेस प्रत्याशी के ऊपर 307 का आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया था। लगातार कांग्रेस प्रत्याशी पर भाजपा में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा था। आज इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम ने अपना नामांकन वापस लिया। निश्चित ही आज फिर से भाजपा ने लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम मध्य प्रदेश और इंदौर में किया है। वहां पे जिस तरीके से भाजपा के प्रत्याशी शंकर ललवानी बहुत ही कमजोर प्रत्याशी के रूप में उभर कर सामने आए थे, जिससे घबरा के भाजपा ने 4 दिन पूर्व कांग्रेस के प्रत्याशी के ऊपर 307 का आपराधिक प्रकरण दर्ज किया। निरंतर उन पर दबाव बनाया जा रहा था और आज उनको अपहरण करके जिस तरीके से ले जाया गया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, नामांकन वापस ले लिया गया है। जनता सब देख रही है और जनता की अदालत में निश्चित ही कांग्रेस को न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है और हम मजबूती के साथ में चुनाव के मैदान में है और हमें लगता है कि भाजपा के जितने भी ये दुष्कृत्य है इन सभी को जनता जवाब देगी और आगामी समय में मध्य प्रदेश और देश में परिवर्तन निश्चित है। वहीं इस पूरे मामले पर प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि अक्षय कांति ने अपना फॉर्म वापस लिया है, इस पर कांग्रेस बवाल मचा रही है। सही मायने में तो कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जिस शहर से आते हैं वहां के प्रत्याशी ने फॉर्म वापस लिया है, सही मायने में तो जीतू पटवारी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी के फॉर्म वापस लेने के निर्णय पर जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता बवाल कर रहे हैं, सही मायने में कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी उसी शहर से आते हैं जहां के कांग्रेस के प्रत्याशी ने नाम वापस लिया है, सही मायने में तो जीतू पटवारी को तत्काल प्रभाव से प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस प्रकार से देश भर में कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो रहा है, जीतू पटवारी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भी कांग्रेस खोखली हो गई है। रोज कोई ना कोई कांग्रेस का नेता कांग्रेस छोड़ रहा है और अब तो हद हो गई जब कांग्रेस के प्रत्याशी ने ही नाम वापस ले लिया है। निश्चित रूप से ये नरेंद्र मोदी जी की विकास और जन कल्याण और देशभक्ति की जो सरकार चलाने की नीति है ये उसका परिणाम है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।